जय भगवान परशुराम की जय। हम आज सभी जनकपुरी पोसमगी गांव के निवासी हैं जो आज एकत्रित हुए हैं। हमारे आराध्य भगवान परशुराम भगवान का जन्मोत्सव है। 10 मई को जन्मोत्सव होता है वैसे, और आज संडे को हम एकत्रित हुए हैं। ये जितने भी हम भाई देख रहे हैं, ये परशुराम सेना ग्रुप है जो पोसिंगीपुर में इकट्ठा है, और आज हम लोग सब इस प्रोग्राम को बहुत ही इन्जॉय करना चाहते हैं, उत्साह उल्लास से बना चलाते हैं। ये हमारी दूसरी शोभा यात्रा है गांव में, जो कि पूरे गांव में पूरे फिरनी में हम लोग चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हर साल भंडारा हो। ये चौथा भंडारा है जो कि हम इस अवसर पर कर रहे हैं। ये जितने हमारे बड़े भाई बंधु देख रहे हैं, ये हमारे गाँव का पोसिंगपुर परिसर है, मंदिर परिसर है, और हम यहाँ से एकत्रित होकर पूरा गाँव इकट्ठा होता है इसमें आज के दिन, और बड़े ही धूमधाम से ये जश्न की तरह मनाया जाता है। पूरे गांव की परिक्रमा होती है, पूरे गांव परिक्रमा, ब्राह्मणों का गांव है ये। ये एकमात्र गांव ऐसा है जनकपुरी में जो केवल सिर्फ ब्राह्मणों का गांव है, जो कि और हमारे जो आराध्य है भगवान परशुराम है, वो हमारे ही आराध्य हैं, ब्राह्मणों के आराध्य हैं। तो इसलिए एक उत्साह की तरह, एक जश्न की तरह हम इसको बनाते हैं, यहाँ पे एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि इस साल भी बहुत अच्छी यात्रा निकलेगी हमारी, और सारे भाइयों के बड़ों के आशीर्वाद से हम लोग ये इनिशिएट कर रहे हैं, और ये परशुराम सेना देखते हैं आगे तक कहाँ तक जाती है, और आगे हम भी बढ़ते रहेंगे, हर साल करेंगे, कोशिश करेंगे। इस बार ये ज़्यादा युवा देखने को मिल रहे हैं। देखिए युवा आप देखोगे, जितने मेरे भाई हैं सारे ऑलमोस्ट सब युवा हैं। हम लोग जितने हैं, हमारा पूरी परशुराम सेना जो बनाई गई है, संगठित है, वो एक पूरे युवा से बनाई गई है। पोसिंगीपुर में जितने भी ऑलमोस्ट पूरे गाँव के युवा हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, जो परशुराम सेना है, और इसमें सब अलग अलग व्यवसाय करने वाले हैं, कोई नौकरी पेशे वाले हैं, लेकिन सब एकत्रित हो रखे हैं, और इस को यात्रा को हम लोग बड़े ही एक अच्छे ढंग से मनाते हैं जी। भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। बल फरसे धारी की जय। बल परशुराम सेना। सभी ग्रामवासी पोसिंगीपुर से हमारे नवयुवक, हमारे बच्चे, हमारे बेटे, सभी हर साल परशुराम जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस साल भी इन लोगों का उत्साह देख करके हम सब इकट्ठे हुए हैं। परशुराम जयंती बहुत ये अपने विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं। इन्होंने जो है अपने काल में बहुत ही लंबा चौड़ा हिसाब वो बनाया, ये अपने वो कराया कि भाई अपने वहाँ पे राक्ष जिनको जो क्षत्रिय हैं जो उपद्रव करते थे, उन लोगों का संहार किया, और बहुत ही नेक और ब्राह्मणों के हिसाब किताब देखा जाए, ब्राह्मण लोग जो है सभी मंदिरों में ये इसकी सवारी निकाली जाती हैं, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भंडारे भी होते हैं, बड़े बड़े भंडारे भी किए जाते हैं, इनमें दान पुण्य भी किया जाता है। परशुराम जयंती ये जो है हमारे परंपरा, बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। ये इन्होंने इनके अपने शिष्य भी हैं, जैसे कि उसमें महाभारत में वो भीष्म पितामह इनके शिष्य थे, और कर्ण भी इन्हीं के शिष्य थे, जो कि उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए, बहुत ही अपने टाइम पे जो था अपने समय बिताया इन लोगों ने। और वो आखिर में आकर के जब तृतीय युग चला, तृतीय युग में आकर के राम के पास से इनका भेंट हुआ था, राम और लक्ष्मण के साथ इनका काफ़ी संवाद हुआ, लक्ष्मण से संवाद हुआ, लेकिन राम ने इनको रोक लिया, क्योंकि राम शीलता के थे, राम थे शील स्वभाव के। बोला महाराज जी, अरे हम तो ऋषि महात्मा जैसे कहोगे वैसे हो जाएगा, ये इसका जो धनुष जो तोड़ा है इसका प्रक्रम मैं हूँ, इसका आभारी मैं हूँ, धनुष तोड़न का ये लक्ष्मण नहीं है। तो उन्होंने कहा, बोले भी ये क्या है,
विश्वामित्र ने उनको बताया कि परशुराम जी ये राम और लक्ष्मण हैं। बोला भाई नाम तो मैंने सुन रखा था लेकिन मैंने आज इनको देखा है। परशुराम जी ने कहा भाई आज देखा मैंने, नाम तो सुन रखा था, ये दशरथ के पुत्र हैं और आज मैंने इनको देखा, मैं इनको दर्शन करके धन्य हो गया हूँ और धन्य होकर के मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ। राम और जानकी जी को, सीता जी को मैं इनको धन्य वो आशीर्वाद दे के जाता हूँ और इतना ही मेरी मनोकामना है। परशुराम जी जो थे हमारे बहुत ही जागृत, लोगों को खूब जागृत किया, खूब जोश बढ़ा, तो इसी हिसाब से हम सब जो है ये परशुराम जयंती सब मिलके मनाते हैं, बड़ा उत्साह से मनाते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम राजकुमार गौड़ है और कौशल्यपुर का वासी हूँ। जो ये हमारे परशुराम भगवान हैं, ये त्रेता द्वापर युग में एक ऐसे ब्राह्मण थे जो द्वापर और त्रेता युग में थे, जिन्होंने बहुत लोगों का उद्धार किया और इसी कारण ये संसार चल रहा है और आज हमें बड़ी खुशी हुई है। हम सब मिलकर इस पर्व को मना रहे हैं, झांकी भी निकाल रहे हैं और सारे ब्राह्मण आसपास के इसमें शामिल हैं। धन्यवाद। मैं अरुण कुमार शर्मा कौशल्यपुर में, कौशल्यपुर के आदिवासी, और आज का दिन हमारे सभी ब्राह्मणों के लिए बहुत ही पावन और जोश का दिन है, जिससे जो हम परशुराम जयंती को आज मना रहे हैं, क्योंकि परशुराम ने ब्राह्मणों को एक बहुत ज़्यादा उत्साह और इकट्ठा होने का सम्मान दिया और उसी में हम कोशिश कर रहे हैं अपने समाज को पुनर्जागृत करने के लिए। ये बच्चों ने एक अच्छा कदम उठाया है जिसके लिए हम सराहना करते हैं। गंगाधर शर्मा, श्री प्रेमानंद शर्मा, उपमन्यु गोत्र कौशल्यपुर का रहने वाला हूँ। आप लोगों को ये आज सभी को ज्ञात है कि आज ये कार्य हो रहा है, परंतु युवा पीढ़ी के लिए ये आज स्मरणीय दिन है, क्योंकि ये जो परशुराम जी थे अपने भाइयों में सबसे छोटे थे और इन्होंने मातृ पिता की भक्ति के लिए, मातृ पिता की पूजा के लिए अपने पिता का कहना मानकर अपनी माँ को इन्होंने कत्ल कर दिया था, क्योंकि उनको विश्वास था कि मेरे पिताजी इतने सक्षम हैं कि इनको जिंदा कर देंगे, और आखिर उन्होंने अपनी माँ को भी जिंदा करवाया और पिता की भी बात को मानकर पूरा किया। लिहाजा अंशावतार होते हुए इन्होंने भगवान परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था और आज हिंदू जाति उठाने वाले पर ये है। हम जागृति तो हुई, थोड़ी देर से हुई, सारा गाँव उत्पन्न गोत्र का है, परंतु आज अब हमें इनका ध्यान आया है तो हम चाहते हैं कि आगे बात बढ़े और सब लोगों को सहयोग से ये चलता रहे। परशुराम जयंती के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि शास्त्र और शस्त्र दोनों का समन्वय इनके अंदर था। 21 बार जो है क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और ये जो है सतयुग से लेके महाभारत तक रहे हैं, सतयुग में रहे और महाभारत में भी थे, हनुमान जी भी थे, परशुराम जी भी थे, जामवंत भी थे, ये लंबी आयु के बाद तक कह रहे हैं। ब्राह्मण को जिंदा रखने के लिए परशुराम जी का होना बेहद जरूरी है। हमारे यहाँ जो है ब्राह्मणत्व का ह्रास होता जा रहा है, इसके लिए जो है ये जरूरी था कि कुछ लोग ब्राह्मणों को जो है जो कम समझते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही राज करते आए हैं आजकल, इस बारे में मुझे इतना ही कहना था। भगवान परशुराम जयंती का आज ये दूसरी शोभा यात्रा रामसेना कौशल्यपुर की तरफ से आयोजित की जा रही है। पिछले वर्ष भी बड़ा सफलतापूर्वक ये आयोजन किया गया था और पूरा कौशल्यपुर गांव रामसेना के साथ मिलकर बड़े हर्षोल्लास के साथ ये मना रहा है और
और हम उम्मीद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये यात्रा पिछले वर्ष की तरह सफल रहे और नई जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को इससे प्रेरणा मिले और हिंदुत्व की रक्षा के लिए बढ़ चढ़कर इसके लिए हम सब आभारी होंगे। जो भी रास्ते में आए वो इसके साथ चले, बड़ा अच्छा लगेगा और लोगों का उत्साह बढ़ेगा और राम सेना जो है उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस बार देखा जा रहा है जैसे शोभा यात्रा में ज़्यादा युवा हैं, इस बार युवा ज़्यादा दिख रहे हैं। हाँ, ये राम सेना जो है वो ज़्यादातर युवा ही हैं इसके अंदर। हम जैसे बुजुर्ग तो जो है इसमें कोशिश करते हैं कि भाग लें, लेकिन जो सहयोग है हो सकता हमसे वो करते हैं और जोशो खरोश के साथ जो है वो राम सेना के जो है वो युवा बच्चे ही इसमें शामिल हैं और वही इसको आगे लेके जा रहे हैं। चलो जी करें, जय बाबा परशुराम, भगवान परशुराम की जय हो। आज यहाँ पर हमारे गांव कोसंगीपुर में दूसरी शोभा यात्रा निकल रही है जो कि भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर आयोजित की जा रही है। पिछले साल भी हमने ये आयोजन किया था, इस साल जैसे कि सभी को पता है कि 10 तारीख को भगवान परशुराम का जन्मोत्सव था, उसके उपलक्ष में ही आज हम रविवार को उत्साहें ताकि सभी जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं उसमें उपस्थित रह सकें, इसलिए हमने आज के दिन ये शोभा यात्रा निकाली है। तो आज सभी जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं कोसिंगपुर के सभी इसमें भाग लेंगे, बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और सभी जो है पूरे गांव का पूरा परिक्रमा करेंगे, उसके बाद यहां पर लास्ट में आके सभी के लिए भंडारा का है, यहीं पे समापन होगा। बोल भगवान परशुराम की जय। तो इस बार ज़्यादा देखा जा रहा है युवा ज़्यादा भगवान का वो कर रहे हैं। शुरू से ही ये बीड़ा जो है हमारी परशुराम सेना ने उठाया है, बड़ों का आशीर्वाद और युवाओं की ताकत ये ही मिलकर इस जो प्रोग्राम है इसको हमने बढ़ाया है आगे। सभी जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद के साथ सभी हम युवाओं ने इसको जो है आगे बढ़ाया। पहली भी आयोजित की थी, उसके बाद ये द्वितीय है जो सभी हम मिलके कर रहे हैं। हर साल कुछ ना कुछ बढ़ाए कर रहे हैं। अब की बार झांकियाँ भी बढ़ी हैं, उसके बाद जो है श्री राम की जो हमारी मूर्ति है, पहले पिछली बार जो है हमने जो है शिला रखी थी और इस बार साक्षात जो शिला है हमारी वो हमने इसमें रखी है झांकी में। देखने योग्य होगी पूरी रामलला अयोध्या के अंदर है ना, बिल्कुल उसी का ही रूप है, सेम जाके रामलला ही आए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भगवान परशुराम। बोलो परशुराम भगवान की। मैं महेंद्र कुमार शर्मा कोसंगीपुर गांव का मूल निवासी और मेरे साथ में मेरे बड़े भाई साहब विजय शर्मा जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर रहे हैं, रिटायर हुए हैं, पी एम सर मुरारी जी। और मैं कोसंगीपुर गांव ने मुझे एक छोटी सी जिम्मेदारी दे रखी है, मैं RWA का प्रेसिडेंट, मुझे उस बाबू के नाम से भी जाना जाता है गाँव के अंदर। और ये कोसंगीपुर गाँव हमारा करीबन 500 साल पुराना गांव है, इससे भी शायद अगर इतिहास में जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा पुराना गांव हो सकता है। और ये टोटल ब्राह्मणों का गांव है, इसके अंदर ब्राह्मणों का गांव हो और परशुराम जयंती ना मनाई जाए ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। ये हमारी दूसरी परशुराम जयंती है और हमारे यहाँ एक जो है बच्चे हैं जिनको ये बहुत अच्छे से उत्साह मनाते हैं, परशुराम सेना के नाम से जाना जाता है उनका नाम। और ये करीबन 60-70 लोग बच्चे जो जुड़े हुए हैं ये बहुत मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि मतलब बढ़ चढ़ के सभी लोग इसके अंदर भाग लेते हैं बड़े उत्साह के साथ में। अभी आप मेरे पीछे सारी भीड़ देख रहे हैं, तमाम भीड़ जो जुटी हुई है ये सारी परशुराम भगवान परशुराम जयंती को मनाने के उत्सव में ये सारी भीड़ जुटी हुई है और इसको हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं।
इसके अलावा हमारे को पूरा सहयोग मिलता है, गांव से सहयोग मिलता है, RWA से सहयोग मिलता है, मंदिर मैनेज कमेटी की RWA है उससे हमें सहयोग मिलता है। सभी लोग हम बड़े, कोई हमारे यहाँ कोई बिरादरी विवाद नहीं है, सभी लोग बड़े अच्छे से रहते हैं, बड़े शांति से रहते हैं। ये हमारे 3 मंदिर बने हुए हैं, बाबा श्याम का, खाटू श्याम का मंदिर बना हुआ है, इसी के साथ में राधा कृष्णा का मंदिर बना हुआ है, उसी के साथ में ये धर्मशालाएँ बनी हुई है गाँव की, एक शिवजी महाराज का हमारा मंदिर बना हुआ है। करीबन इस मंदिर पे मान के चलो 2-3 एकड़ की जगह है। जनकपुरी के अंदर सबसे ज़्यादा जगह हमारे पास इस मंदिर के अंदर है और विकास हमारा यहाँ मंदिर में चलता रहता है। अब देख रहे हो आप, यहाँ खाने का सारा प्रबंध है, मिनिमम मान के चलो कम से कम 1 साल में 15-20 भंडारे हमारे यहाँ से होते हैं। सभी प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं और हम इस त्यौहार को बड़े मिलजुल के मनाते हैं, बहुत प्यार से मनाते हैं, आदर सम्मान से मनाते हैं। बुजुर्गों का, बड़ों का, भाइयों का, बहनों का, सभी का हमारे को बड़े अच्छे से सहयोग मिलता है और आगे भी हम इसको आगे जो है बढ़ चढ़ के हम इसका भाग लेंगे। अब जैसे ही यहाँ से यात्रा चलेगी पूरे गांव के अंदर लोग झुकते जाएंगे, हजारों की संख्याओं में जाएंगे और लाखों रुपए कम से कम ये बच्चे आपस में इकट्ठा करते हैं। इसमें हम किसी सरकार से कोई सहयोग नहीं देते, हम अपने पैसे से खुद कॉन्ट्रीब्यूशन करके इस पैसे को इकट्ठा करके उसके बाद हम इसको जो है उत्सव को मनाते हैं। दिवाली के त्यौहार हो, होली के त्यौहार हो, सभी मैनेजमेंट आपस में एक दूसरे का सहयोग करती हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी आप लोगों का सहयोग और मीडिया को मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ आपके जिस चैनल को, कि आप दूर दूर से मेहनत करके आते हैं, हम लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। मैं चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ और ये जितने भी मेरे गाँव के जो सहयोग कर रहे हैं मैं इनका भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। जी बोलो जी। मैं दुकेश कोसंगीपुर से और परशुराम जी के जन्म उत्सव पर की बहुत बहुत बधाई उनको। कहते हैं कि अपने ब्राह्मण समाज के लिए और इसके लिए तो मतलब अपना मन भी मतलब बढ़ जाता है, फिर तो अभी कड़ा भर गया है। तो जो हम हर साल शोभा यात्रा निकाल रहे थे हमें बहुत अच्छा लगता है, इस चीज़ से हम जुड़े हैं। कोसंगीपुर के गांव के सारे आदमी औरतें सब इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो इतना ही। और उन्होंने अपने ब्राह्मण समाज के लिए बहुत कुछ किया है, तो हम भी उसके लिए इसलिए शोभा यात्रा से जुड़े हैं और बहुत कुछ आगे दीजिए बताएंगे। मैं बहुत ही खुशी है हमारे गांव कोसंगीपुर से, गांव कोसंगीपुर से हर साल परशुराम जयंती पर शोभा यात्रा निकलती है और पूरा गांव एकजुट होके दूर दूर से भी लोग आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। शोभा यात्रा निकालते हैं हम, बहुत ही खुशी बहुत अच्छा, सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती है, अच्छा सारी महिलाएं सारे पुरुष गांव के, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, बस क्या बताएं। खाना पीना होता है सारा, बहुत अच्छे से निकलती है। बोलो परशुराम भगवान की जय। परशुराम भगवान की जय। परशुराम भगवान की जय। कैसा लग रहा है आज परशुराम? अच्छा लग रहा है जी, हमें बहुत अच्छा लगता है। हर बार कोई भी प्रोग्राम होता है चलता ही रहता है प्रोग्राम यहाँ पे हमारा, हाँ बाबा की, खाटू वाले बाबा की से बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है हमारा। सारे लेडीज जेंट्स सब मिलके सब अच्छे से उत्सव मनाते हैं। बुजुर्ग हैं ये आओ भी आओ भाई, आ जाओ सारे, आ जाओ बड़े बड़े। परशुराम की आज ये भगवान परशुराम की जयंती मना रहे हैं कोसंगीपुर गांव में। सब गांव इकट्ठा हो गए, छोटे बड़े बुजुर्ग सारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा सब लुत्फ निकाल रहे हैं। आप इनको बहुत बहुत बधाई हो और सारे गांव का इसमें
सब राजी खुशी भगवान का नाम लेके चल रहे हैं सारे। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रभजोत और हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं परशुराम जी की यात्रा में शामिल होने, और सारे भाई हम एकजुट होके मिलाते हैं और ये करते हैं। आई गेस ये परशुराम जी की दूसरी यात्रा है यहाँ पे मैं शामिल हुआ हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है परशुराम जी की। ये वो तो ये हमारा हिंदू धर्म जो है भाईचारे का प्रतीक है। सरदार जी जो है सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं, पर उनका यहाँ पर उपस्थित होना ये दिखा रहा है कि भगवान परशुराम किसी एक समुदाय के ना होकर समस्त जनजाति के, समस्त मानव प्राणी के भगवान हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि हर समुदाय के लोगों ने साथ देकर हमारी शोभा यात्रा को एक अच्छे लेवल पे लाकर पहुँचा दिया है। बिल्कुल जी, सरदार जी पिछले साल भी हमारे साथ यहाँ पर थे और इस बार की इनकी उपस्थिति हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब तन मन धन से यहाँ पर जुड़े हुए हैं इनके साथ और सेवा कर रखे हैं। जय भगवान की जय। Oh, my God.
Thank you.
संघ अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, मैं भगवान परशुराम जयंती के सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा नाम अश्वनी शर्मा है, मैं एंटी करप्शन ग्रुप से हूँ और मैं परशुराम जन्मोत्सव पर बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे ही समाज में इसी तरह से हमारी एकता बरकरार रहे और हमारा परचम पूरे देश में पूरे विश्व में ले रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भगवान परशुराम जी की। Thank you.
मैं धन्यवाद करता हूँ पोसंगीपुर का, पूरे जनकपुरी का, जिन्होंने परशुराम बाबा की शोभा यात्रा निकाली, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। ठीक है, बोल परशुराम बाबा की जय। गुप्ता स्वीट्स की तरफ से और सारे पोसंगीपुर और जनकपुर की तरफ से परशुराम बाबा की जय जयकार। भगवान की बहुत बढ़िया यात्रा निकल रही है, एक नंबर की मजा आ रहे हैं, हर साल ऐसी निकलेगी यहाँ पे। हेलो, भगवान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और आप ये भीड़ देखिए, भारी तैयारी में परशुराम जयंती सारा माहौल बना हुआ है। धन्यवाद।
ये आप फूलों की बरसात देख रहे हैं, ये श्री दुर्गा मंदिर की तरफ से फूलों की बरसात, ये परशुराम भक्तों के ऊपर शोभा यात्रा निकली है उनके ऊपर स्वागत के लिए ये फूलों की बरसात, ये देखिए फूलों की बरसात, हमारे चेयरमैन सारे मंदिर के लोग मिलके फूलों की बरसात कर रहे हैं, परशुराम भक्तों का भव्य से स्वागत कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। सुनीता शर्मा पौसंगीपुर के रहने वाले हैं, आज हमें बहुत खुशी हो रही है, हमारे पौसंगीपुर ग्राम से मिलकर के परशुराम यात्रा निकाल रहे हैं और परशुराम हार्दिक शुभकामनाएं सबके लिए, हमारा तरक्की करे हमारा देश और हमारा पौसंगीपुर भी तरक्की करे। चलो बोलो परशुराम भगवान की जय। हेलो परशुराम जी, क्या हम आम तो बहुत खुश हैं। मेरा नाम राजपाल है और हम सेकंड टाइम ये परशुराम यात्रा निकाल रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत आभारी हैं, बच्चों का जो शोभा यात्रा आई है उसका बहुत अच्छा, हम बहुत खुश हैं, हमने भी क्या लाहौरी जीरा डिस्ट्रीब्यूट किया है, हम बहुत खुश हैं, हमारी हम सब सेवा कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। मैं राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन उत्तम नगर क्षेत्र का मंडल अध्यक्ष प्रवेश बोल रहा हूँ। ये जो परशुराम जी की भगवान की शोभा यात्रा निकल जा रही है जनकपुरी में, मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। बच्चों ने बहुत ही मेहनत के साथ और बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ इस गांव के अंदर में लगातार दूसरी साल बड़े सफलता के साथ में ये यात्रा की जा रही है। भगवान परशुराम जो ब्राह्मणों के सबसे बड़े पूर्वज और सबसे बड़े भगवान गिनती होते हैं, भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, यात्रा बड़े धूमधाम के साथ निकाली जा रही है। मैं उत्तम नगर क्षेत्र का राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन का मंडल अध्यक्ष हूँ और एक बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी झांकी और बहुत सारा भीड़ और सारे लोग हमारे साथ भगत जन जुड़े हुए हैं जो कि इस यात्रा में शामिल हैं और बड़े तन मन धन से साथ देते हैं। धन्यवाद। भगवान परशुराम की जय। Oh.
पिछले साल से भी बहुत अच्छा है विशाल यात्रा। हम सब आनंद किया है, सबने सब लोग गांव ने एकत्रित हो गए, बहुत अच्छे से स्वागत, मतलब वो सबने ही सहयोग अच्छे से दिया है, सब चीज का, हर चीज का। ये नहीं है कि नाच गा के अच्छे ढंग से यात्रा दिखा रहे हैं, नाच गा के अच्छे ढंग से यात्रा लेकर आए हैं। हाँ जी, जय भगवान परशुराम। जैसे कि आपको पता है कि हमारी आज की शोभा यात्रा जो दूसरी शोभा यात्रा थी भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर, वो बहुत ही सफल रही। उसके लिए हम सभी परशुराम सेना मिलकर ग्रामवासियों को और जिन्होंने पूरे नगरवासियों को, हमारे जनकपुरी वासियों को, सभी जो भी मंदिर संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, जिन्होंने जगह जगह पर आयोजन किए अलग अलग तरीके से, उन सभी का धन्यवाद करती है और आशा करते हैं कि जैसे इस बार इन्होंने दो सब बार से सफल आयोजन में हमारा साथ दिया है, ऐसे ही हमारा साथ ये मिलकर देते रहे। सभी मंदिर कमेटियों का, RWA का और परशुराम सेना की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान परशुराम की जय। हर हर महादेव।